ले बना इधर दिखा और दिखा पूरा अंदर जा पुलिस बुला इधर देख इधर देख के बात कर ओए साला मत बोली मारूंगा मैं साला कैसे बोल रहे तू क्या करवाना है ले देख ले ले बिल ले इसको बात करने की तमीज नहीं है इसको समझा दो और जाइए। नमस्कार ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। टोल प्लाजा पर दिखा अलग ही नजारा। पहली बार आया सामने कि टोल प्लाजा के सीनियर कर्मी ने अपने पट्टे को लगाई फटका, ये कहते हुए कि साहब से क्यों मांग रहे हो ओवरलोड के पैसे। दोस्तों टोल प्लाजा पर एक ऐसी तस्वीर या वीडियो सामने आ रही है जिसको देख कर आप खुश तो होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या बड़ी कहानी लेकर आ गया, ऐसा क्या बदलाव हो गया कि हम खुश हो जाएंगे। जी हाँ, बदलाव तो हुआ है। कहीं ना कहीं टोल कर्मियों को अब समझ में आने लगी है, या यूं कहे इन सीनियर कर्मी को समझ में आ गई है कि भैया अपना ही पट्टा गलत है। अपने ही पट्टे को डांट लो तो बच जाएंगे, इज्जत बच जाएगी, क्योंकि सामने जो ड्राइवर है वो बड़ा जागरूक है और उसके हाथ में जो ये हथियार है ना मोबाइल, उसमें हम लोग हो गए हैं कैद। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। जी हाँ, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर ये टोल प्लाजा पड़ता है। नाम है गाड़ा मोड़ा टोल टैक्स। ड्राइवर है संजू, जिन्होंने हम तक ये वीडियो पहुंचाई और जिनके साथ ये घटना हुई है। यहाँ पर ड्राइवर पहले से ही मुस्तैद थे, उन्हें मालूम था कि उनकी गाड़ी अंडरलोड है, लेकिन दुनिया को इनकी सच्चाई दिखाने के लिए उन्होंने अपना कैमरा कर लिया ऑन, ताकि अब ये जनाब कुछ उल्टा पुल्टा बोलें, अपनी जेब भरने की बात करें और वो दुनिया को दिखा सके इसका सच। और आखिर वैसा ही हुआ जैसा ड्राइवर ने सोचा था। वो आगे बढ़े, वीडियो बनाते रहे और उन्हें कह दिया गया आखिरकार वही जो वो सुनना चाहते थे कि तुम्हारी गाड़ी ओवरलोड है, जबकि ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी पूरी अंडरलोड थी। जी हाँ, आरसी पे 12 टन पास थी लेकिन माल था 7 टन 400 किलोग्राम। ये लोड उन्होंने बरवाला हरियाणा से भरवाया था और अनलोड कुल्लू हिमाचल में करना था। सीमेंट लोड था, किरतपुर साहिब से मनाली रोड है जहाँ पर ये टोल पड़ता है। आप देखिए किस तरह का रवैया यहाँ पर ड्राइवर के साथ अपनाया गया। जब उसने कहा कि भैया आप बताइए कि कितना वजन है, तो ओवरलोड बता दिया गया और साथ ही साथ भाई साहब कर्मी मोबाइल लेकर तेज बन रहे थे, वीडियो बनाने लगे, ड्राइवर को उकसाने लगे। आखिरकार उसने वो गलती कर दी जो ड्राइवर को बिल्कुल सुनना पसंद नहीं, उसने गाली दे दी। भाइयों, गड़ा मोड़ा टोल टैक्स अभी देखना आपने, ये बता रहा हूँ मैं आपको, कांटा पर्ची, ये है कांटा पर्ची। अब ये गाड़ी को ओवरलोड बताएंगे। तो वो दिखाएगा ना बेट हमको, तुम इतना कांटा वो करवा रहे हो क्या, बेट नहीं आता क्या उस पर, बिल्टी क्या देखनी, अंडरलोड है, दिखा ना तू, दिखा अंडरलोड गाड़ी को भाई जी, ओवरलोड बता रहे हैं, इनकी दादागिरी देखो। ओवरलोड का पैसा दीजिए। हैं, कौन सा पैसा मांग रहा है भाई ओवरलोड का, तू अंडरलोड गाड़ी है क्या, हो गया तेरे को, इधर देख के बात कर, किस बेस पर ओवरलोड का पैसा मांग रहा है, पागल हो गए यार आप लोग, अंडरलोड गाड़ी है, ले बना ले बना इसका भी देख, है रेकमेंट रुका, इसका भी देख, ये ड्राइवर है, इधर इधर दिखा और दिखा पूरा अंदर, अट अंडर कर रहा है, बदतमीजी जा पुलिस बुला, साला ओवरलोड लेके जा रहा है, ओवरलोड का पैसा नहीं, ओए साला मत बोली मारूंगा मैं, बैन साला कैसे बोल रहा तू, बैन का तू साला कैसे बोल रहा है। और उसके बाद ड्राइवर का जब माथा सटका और उसने लगाई जमकर क्लास, तो आ गए सीनियर कर्मी। जब उन्हें पूरे दस्तावेज और प्रूफ दिखाए गए तो उनकी कहीं ना कहीं आंखें खुल गई। ड्राइवर ने सबूतों के साथ मुंह पर कागज मारा और कहा ये लो गाड़ी मेरी अंडरलोड है, अब बताओ। तो उसके बाद कर्मी साहब का हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने अपनी ही कर्मी को फटकार लगा डाली और कहा कि गलती हो गई जनाब। क्या हुआ साहब, क्या हुआ सर? यार भाई साहब, एक चीज, आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, मेरी गलती है, 4 टन अंडरलोड है गाड़ी, तो कांटा करवा लो वीर, क्या करवाना है, ले देख ले, ले बिल ले, ले हाथ धोगी पीछे माल देख ले, खाली है गाड़ी, तो मैं देखा तो है,
यार दिखाना क्या, एक चीज बताओ, आपका सिस्टम भी तो होना चाहिए ठीक। एक बात बताऊं, वो फ्लक्चुएशन में कम ज्यादा बताता है, आप समझा। अरे यार भाईजान नहीं बताता है, आपका सिस्टम इधर में खराब है, इसको बात करने की तमीज नहीं है, इसको समझा दो, साला बोल रहे हैं। चार टन अंडरलोड है गाड़ी। काफी देर के हंगामे के बाद, अपने पछतावे के बाद, वहां पर ड्राइवर को निकलने दिया गया, लेकिन ये सच सामने आया और ये फटकार कहीं ना कहीं हर टोल पर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह ड्राइवरों के साथ रवैया अपनाया जाता है, सीनियर कर्मी को सामने आना चाहिए। और अब तो मंत्रालय भी कह चुका है कि अब कुछ भी अगर ऐसा होगा तो एक सीनियर अधिकारी को रखा जाएगा, जो अगर ऐसा मसला या तनाव की स्थिति देखता है वो बीच बचाव करेगा। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।